तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नहीं बात करता, छत पे चल कर मैं बात करता हूँ। छत पे चल कर एक मिनट। आज है संडे और संडे का मतलब होता है कि अब संडे को जब मैं इतने तैयार व्यार हो गया ब्लॉग कर रहा हूँ, अभी समझ समझ जाए मैं कहीं जा रहा हूँ। तो आज होने वाली हमारी सबसे पहली मोटो ब्लॉग राइड, मतलब 10-12-15-17 किलोमीटर की राइड होने वाली है अभी हमारी। और मोटो ब्लॉग बाइक से मैं जाने वाला हूँ, अपने नए मोटो ब्लॉग सेटअप को ले करके, ताकि हमारा पहला मोटो ब्लॉग बनेगा। और अभी मौसम आप देख सकते हो, मौसम काफ़ी सही हो चुका है। मतलब सुबह से पूरे बादल बादल थे, अभी थोड़ी सी धूप उगी है। मेरे को तो लग रहा था कि बादल बादल थे तो ठंडी लगेगी रास्ते में जाने में, अभी भी ठंडी लगेगी, हवा चल रही है, लेकिन ठीक हो गया। मौसम बहुत एकदम सही है घूमने के लिए, मौसम बिल्कुल सही है। अभी हम इसके पहले पनियावा जब गए थे तब भी मौसम इसी तरह था, और आज भी मौसम इसी तरह काफ़ी सही मौसम है। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, जहाँ अपने फ्रेंड को लूँगा और अपने फ्रेंड के साथ जाऊँगा। और बाइक कौन सी है आप समझ ही सकते हो, जो हमेशा रहती है वही बाइक है। तो अभी चलते हैं, अपना हेलमेट लेते हैं और निकलते हैं। हाँ जी, तो हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, और मतलब हमें जहाँ जाना है वो हमारे मतलब घर से है 15-17 किलोमीटर। तो अभी तो मतलब ये हम लोग अभी टाउन में अपने घर से निकले हुए, मुझे 500 मीटर हुआ अभी। तो अभी निकलने से मतलब जाने से पहले रास्ते में हमने सोचा कहीं रुक के चाय पीने के लिए, तो अभी रुक के हम लोग चाय पियेंगे। और पेट्रोल वैसे गाड़ी में है, देखेंगे अगर रास्ते में कहीं फिर से फिलअप करा लेंगे, नहीं तो चलने का हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है वैसे तो हो जाना चाहिए उसको। और रास्ते में फिर एक और मंदिर पड़ेगा, वहाँ भी रुकना चाहता है, आपको भी दिखा देंगे उससे, हम भी थोड़ा घूम लेंगे वहाँ पे। कहाँ पे चाय पिया जाए अभिषेक? तो अभी मतलब ये जो आप रोड देख रहे हो, ये रोड देखने में तो बहुत मतलब अच्छी लग रही है, क्योंकि देखने में तो रोड ये अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा दूर की ये रोड है नहीं, बस 4-5 किलोमीटर है ये रोड। और आगे ये क्या हुआ है, आगे हो गया हुआ जाम लगा है, आगे जाम नहीं लगा है, तो गाड़ी रुकी हुई है। रोड का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मतलब नए नए रोड पर गड्ढे कैसे हो जाते हैं मेरे को यही नहीं समझ में आता है। अब मतलब ये रोड ज़्यादा दूर की है नहीं, 3 या 4 किलोमीटर की है। वैसे मैं आपको ये रोड पता होगा, मैं साइकिल चलाने आया करता था यहाँ पे पहले। तो और आई होप कि साउंड एकदम अच्छी आ रही हो, मतलब पहला ये मेरा मोटो ब्लॉग है, मतलब प्रॉपर मोटो ब्लॉग है जिनमें पहला ये। तो मिरर को पहले सेट कर लेता हूँ, मिरर सेट, इधर का साइड मिरर सेट, ये भी साइड मिरर सेट हो गया। अब आराम से इससे ज़्यादा मतलब पहले ये जो रोड थी ना, ये 4 किलोमीटर की रोड बनी एकदम अच्छी से हाईवे, ये पहले थी एकदम मतलब किनारे किनारे जंगल, एकदम बीच में सिंगल लेन रोड थी ये। अभी तो ये काफ़ी सही हो चुकी है, लेकिन आगे फिर से वही सिंगल लेन रोड हो जाएगी। तो सामने मंदिर आपको याद होगा, हमेशा ये मेरे ब्लॉग में आता था, जब भी मैं साइकिलिंग करते हुए ब्लॉग बनाता था तब भी ये आता ज़रूर था। और नीचे से बस हवा की आवाज़ ना आ रहा हो, बस वही मुझे प्रॉब्लम है, बस वही मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वरना तो बाकी सब एकदम सही चल रहा है प्रॉपर। देखो अब ये रोड ख़त्म, नेशनल ये हाईवे ख़त्म हो गई, अब ये हाईवे से वापस से ये सिंगल लेन रोड शुरू हो जाएगी। हमेशा मैं मतलब आया करता था ब्लॉग, मतलब जब भी मैं साइकिल चलाता था तो मैं कम से कम 5 किलोमीटर जाता था ऐसे, 5 या 6 किलोमीटर। देखो रामकोला 11 किलोमीटर, मतलब ये हमारे 11 किलोमीटर हमें जाना है अभी, 4 किलोमीटर आ चुके हैं हम, 4-5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और जाना हमें। और जब मतलब जब सुबह से मैंने मौसम देखा था तो मेरे को तो लगा था पूरा जैकेट वगैरह पूरा पहन के जाना पड़ेगा मेरे को, एकदम पूरा भरपूर कपड़ा। लेकिन अभी मैंने एक इधर पहना हुआ, एक स्वेटर पहना हुआ, उस पर मैं अच्छे से मैं एकदम जा सकता हूँ, अच्छे से जा रहा हूँ, नहीं प्रॉब्लम हो रही कोई भी, ज़्यादा ठंडी वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन हवा चल रहा है इस समय बहुत तेज़, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इस समय। 9 किलोमीटर लेफ्ट 9 किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर अभी और हमें जाना है। पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल आराम से हम पेट्रोल जितने पेट्रोल में जा सकते हैं। और ये एयर की आवाज़ बस न आ रहा हो उसमें, नहीं तो एयर की आवाज़ आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साउंड में। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है एयर की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आ रही है तो उतनी मैनेज कर लेना। वैसे माइक के दम पूरे दम मेरे मुंह के दम पास है तो मैनेज हो जाएगा उतना। तो देखो हेलमेट ऐसे करके चलाऊंगा मैं तब आवाज़ थोड़ी भी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे आपको फ्रंट व्यू नहीं दिखेगा, और फ्रंट व्यू दिखाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बोलना होगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, जब फ्रंट व्यू दिखाना होगा तो ऐसे कर लूँगा। मतलब देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
क्या करूँ मैं, 35,000 रुपये बोले 200 रुपये जब खर्च किया है तो। अब मैं साइकिल चलाने आता था तो यहीं तक आता था, अभिषेक यहीं तक आते थे साइकिल चलाने के लिए। तभी हम लोग चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं, चाय की टपरी पीने के लिए। तो ये मिसरौली है, मतलब हमारे घर से ये 7-8 किलोमीटर हो गया और जहाँ हमें जाना है वो 8 किलोमीटर रह गया, मतलब 1 किलोमीटर फटफट पार हो रहा। अब क्या करूँ, स्प्लेंडर है तो कितना तेज़ पार होगा, इतना ही तेज़ पार हो पाएगा अभी तो ये। फिर भी अभी मेरे को जितना दूर हम आए, अभी इतना दूर पहले मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दूर लगता था ये, क्योंकि पहले इतना मतलब ये बड़ा रोड नहीं था, पहले मतलब बहुत सुनसान रहता था ये, पूरा जंगल जंगल, ये देखो नहर पूरी एकदम, तो पूरा जंगल जंगल रहता था तो उसमें मज़ा नहीं आता था। अभी ये बाज़ार वाला एरिया पड़ा है, कुछ मार्केट वाला एरिया, तो यहाँ पे देखते हैं, यहीं कहीं चाय पियेंगे, कहीं चाय 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 चाय। वैसे आज संडे है तो चाय की टपरी सामने होटल है, होटल है किधर, किस साइड, उस साइड कहाँ पे, ठेला वाला के पास चाय होगा, टपरी उसका दिख नहीं रहा, चाय वाला कहाँ पे है, पूछोगे चाय है पूछो। तभी हम यहाँ पे रुके हुए चाय पीने, तभी हम रुके हुए चाय पीने के लिए और इतना मंगाया चाय है यहाँ पे, तो साथ में अभी खा रहा हूँ पकौड़े। ऑर्डर करने से मैंने जिसने ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी अच्छा लग नहीं रहा, तो हमने सोचा एक ही मंगाते हैं, एक ही में खा लेते हैं अभी। अच्छा खाना वाना खा के हम आए हुए घर से, तो अभी खाने को तो मन कर नहीं रहा, सोचा सिंपल चाय तो पियेंगे नहीं, कुछ खा भी लेते हैं साथ में। तभी ऑर्डर किया हमने प्याज के पकौड़े, तो प्याज के पकौड़े आते हैं तो आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी 8 किलोमीटर बचा हुआ, तो हमारा चाय भी आ चुका है और चाय के साथ में हमारी ये प्याज की पकौड़ी, और साथ में खाएंगे इंजॉय करेंगे और फिर वापस से मिलते हैं बाइक पर। खा पी के चाय पी के तो हो गया हमारा, चाय पीने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, हो रहा रोड तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग टपरी पर से, और आगे बढ़ने के बाद मतलब वहाँ से यहाँ तक मेरे फ्रेंड ने चलाया जा रहा था, तो नहीं 10 कदम की दूरी है, और 10 कदम वहाँ पे आने के बाद ये एटीएम में से पैसे निकलने आया है, और एटीएम जब आके देख रहा है तो अभी एटीएम स्टार्ट हो रहा है अभी, तो इंतज़ार कर रहा है, देखो चुपचाप खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है, अभी पैसे निकलने का अभी स्टार्ट हो रहा है एटीएम, पता नहीं पैसा उसमें है कि नहीं है। 7 किलोमीटर लेफ्ट, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी मोटो ब्लॉक करने में, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि देखो जैसे मेरे पास है एक सिंगल फ़ोन, और सिंगल फ़ोन की वजह से अभी देखो मुझे को अगर मैप वगैरह कुछ देखना है तो मैं नहीं देख सकता हूँ, ऐसे माइक से मतलब फ़ोन एक ही है, तो इसमें से मैप या देखूँ मैं कि मोटो ब्लॉक करूँ, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल बस ऐसे एक टेम्प्ररी इलाज है ये। और वैसे एयर घुसा है तो मैं नीचे हाथ लगाया हुआ हूँ तभी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन चलो मैनेज हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, मतलब जब मैनेज करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ टेम्प्ररी इलाज है ये, कोई प्रॉपर मोटो ब्लॉक सेटअप तो है नहीं। प्रॉपर मोटो ब्लॉक सेटअप होगा जब थोड़ी बहुत हमारी कुछ मतलब समझ रहे हो आप, हमारी इनकम वगैरह कुछ होने लगे तब तो प्रॉपर मोटो ब्लॉक सेटअप बनाएंगे अच्छा खासा, एकदम बढ़िया सा गोप्रो वगैरह लगा के, एकदम अच्छा सा हेलमेट लेंगे महंगा वाला, जिससे कि थोड़ा भी एयर वगैरह अंदर ना जाए, जिससे कि मस्त ब्लॉग बने। वैसे तो देखो मेरे को सिर उठा के ऐसे कर रहा हूँ तब ऐसे हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो ऐसे मेरे को मतलब सिर उठा के, थोड़ा बहुत गर्दन में दर्द होगी शाम को, लेकिन मैनेज कर लेंगे कंटेंट के लिए कुछ भी। और अभी फ़िलहाल एक मंदिर देखो दिखाई दे रहा होगा, एक मंदिर, तभी उस मंदिर पर हम चलेंगे। अभी ये मंदिर पर आए हुए हैं, तो ये मंदिर आप देख सकते हो आज बिल्कुल खाली है क्योंकि आज संडे है, पूरा दुकान वगैरह है ये सब पूरा। तो अभी मैं अंदर जाऊंगा, ये तो अंदर जाएगा नहीं, तो मैं जाऊंगा अभी अंदर, तो चलते हैं अंदर। वैसे तो हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन आज भीड़ नहीं है थोड़ी भी, क्योंकि मतलब आज संडे है, इसी वजह से अभी फ़ोन में रख देता हूँ, कोई देखेगा तो ये देखो, मतलब जब त्यौहार का सीज़न हो जाता है नवरात्रि वगैरह बहुत भीड़ रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। अभी पहले मैं थोड़ा आशीर्वाद ले लेता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ बाद, मतलब टीका लगाने के बाद से अलग ही मतलब चेहरे पर एकदम मस्त हो जाता है चेहरा एकदम।
और इधर मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये पूरा मंदिर का, बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी भी है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कहा जाता है यहाँ पे। और जो यहाँ देखे उस अंदर शेर का मूर्ति था, इसके लिए कहा जाता था राजा रहते थे यहाँ पे, उनकी बेटी थी, तो उनकी बेटी को पंडित जी बोले थे ना कि वो शेर काटेगा तभी मरेंगी वो। हाँ तो ये पानी है ना, पानी तो पानी के बीचों बीच वो शीशा का वो महल बनवाए शीशा का, तो उस बाल की जू होती है ना, बाल के जू, वही बाद में शेर बन के काट लिए, उसी तो मंदिर बनाई है। तो कहानी मैंने बता दिया, मतलब बहुत ये पूरा पानी में था, पूरा पहले पानी में पूरा पानी था, लेकिन पानी में पूरा मंदिर को पीछे ही पानी है पूरा, और वो ना हाईवे है पूरा, चला जाए। अभी चलते हैं वापस से, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा दूर यहाँ से बस 1 किलोमीटर और या 2 किलोमीटर बस, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं, चाबी मैंने निकाला नहीं पॉकेट में से, एक मिनट। हाँ जी, तो इसके बाद की जो वीडियो है वो मैंने इसमें नहीं जोड़ी है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा अभी कंटेंट बचा हुआ है, मतलब ये तो आधा है और इसके बाद आधा और, मतलब 10-15 मिनट का अभी और है, तो मतलब उतना जोड़ूंगा तो उतने लंबी वीडियो आप लोग बोलोगे लंबी वीडियो होगा लंबी वीडियो होगी, तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि उसको नहीं रखते हैं इस वीडियो में, उसको रखते हैं अलग। तो ये पार्ट वन हो गया और इसके बाद पार्ट टू आएगा। और हाँ, जो चीज़ अभी ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो मैंने सिर्फ बाइक चला के दिखाया ना, इसके बाद जो मैं असली जगह पे जहाँ रामकोला मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाऊँगा, तो जो असली चीज़ है वो वहाँ पर है। ये तो बीच में बस ऐसे मंदिर पड़ा तो यहाँ रुक गया, अब यहाँ तक 10 मिनट हो चुका था उसके वजह से मैंने कर दिया। तो अगला ब्लॉग को मिस मत करना, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खाना पीना मतलब ऐसा कुछ, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उस, सिनेमैटिक्स वगैरह मतलब अच्छा अच्छा व्यू है, तो सब कुछ उसमें है, तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। तो इसके बाद से पार्ट टू आएगा। और हाँ, गिव अवे के बारे में एक और मैं अपडेट देना चाहूँगा कि देखो गिव अवे के बारे में ये तो मैंने बता दिया कमेंट करने को, मैंने ये नहीं बताया था कब तक कमेंट कर सकते हो आप, तो 29 के बाद जो भी कमेंट करेगा मैं उसे एलिजिबल नहीं मानूंगा, 29 तक आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे आप दूसरे कमेंट पे आप लाइक दे रहे हो, मैंने देखा है कि 2-3 कमेंट हैं उसके ऊपर लोगों ने लाइक दिया, तो लाइक देने से मतलब मेरे को नहीं ना समझ में आएगा उससे, तो मेरे को उससे नहीं समझ आया, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आप उसी कमेंट को भले ही आप दूसरी बार लिखो तीसरी बार लिखो, उसमें थोड़ा आप मॉडिफाई करो कुछ लिखो, आप उसी पर कमेंट करोगे तो आपका तो नाम मेरे को मालूम नहीं चल रहा है कि आप कौन हो, तो आप कैसे जीतोगे। तो समय अपना व्यर्थ ना करें, उसको लिख सकते हो आप तो लिख दो, और नहीं तो अब लाइक करने से मेरे को पता नहीं चलने वाला है। तो हाँ, 29 को लास्ट डेट है, उस दिन तक आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद कमेंट को मैं एलिजिबल नहीं मानूंगा, वैलिड नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसके बाद आप मैं थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ क्या क्या अगले ब्लॉग में आने वाला, ताकि आपको सस्पेंस बना रहे वो भी आप देख लो। चलो, वहाँ से हम आए, वहाँ से हमने भुजिया ले लिया पहले, और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे।